हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो साइंटिस्ट ने मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने किए थे एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हो गए कामयाब, पर वो कब हुए, जब उसकी डेथ हो गई। मतलब उसकी डेथ के काफी टाइम बाद हमें पता चला कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मेंडल ने जो मेहनत की थी, ही वॉज राइट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल की सर्च करनी शुरू कर दी। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल की सर्च करनी शुरू कर दी, इसका ये मतलब है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था, उन्होंने हेरिडेटरी मटेरियल को ढूंढना शुरू किया और वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए वेरियस ऑर्गेनिजम्स पे, जिससे उनको पता चला कि हाँ, क्या एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और उसके क्या फीचर्स होने चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 यूज्ड माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। उसने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को यूज किया, मींस द न्यूमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ही यूज्ड द न्यूमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, न्यूमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। Streptococcus pneumoniae has two strains, the smooth strain and the virulent strain. The smooth strain is the virulent one and the rough strain is the non-virulent one. Ab ye smooth and rough ka kya matlab hua? Basically, smooth strain ke paas polysaccharide mucus coat tha, जो क्या करता था, निमोनिया कॉज करता था। म्यूकस कोट की वजह से वो क्या करता था, निमोनिया कॉज करता था। इसी वजह से इसको स्मूथ स्ट्रेन और ऐसा स्ट्रेन भी बोला जाता था। बट आर स्टेन, यहाँ बेसिकली स्मूथ स्टेन के अंदर जो निमोनिया म्यूकस की लेयर थी, इट मेड द आउटर सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया म्यूकस लेयर मेड आउटर सरफेस स्मूथ। म्यूकस लेयर ने क्या किया, आउटर सरफेस को स्मूथ बना दिया, जिसकी वजह से इसको स्मूथ स्ट्रेन या विरुलेंट बैक्टीरिया भी माना जाता है। एंड रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड रफ सरफेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ म्यूकस कोट। Rough surface due to mucus coat, due to absence of mucus coat, and ये क्या था, ये इसके पास mucus coat भी absent था, जिसकी वजह से इसकी appearance rough थी, और इसके पास virulence create करने वाला भी कोई भी चीज नहीं थी जो virulence create कर सके। Hence this kind of bacteria is non-virulent type. Okay students, तो इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ हम फर्दर मूव करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली इसने जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने वाला एक्सपेरिमेंट किया था। व्हाट डिड ही ट्रूली डिड वाज द लिविंग एस स्ट्रेन। उसने क्या किया, पहले तो एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन लिविंग को माउस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माउस क्या कर गया, मर गया। लिविंग एस्ट्रेन सेल्स फाउंड इन हार्ट, क्योंकि लिविंग एस्ट्रेन सेल्स ऑफ कोर्स विरुलेंट हैं, तो माउस के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो माउस तो मरेगा ही, है ना। अब लिविंग आर स्ट्रेन किया उसने, तो लिविंग आर स्ट्रेन के केस में क्या हुआ, लिविंग आर स्ट्रेन तो नॉन विरुलेंट है, माउस नहीं मरा, माउस के अंदर किसी भी टाइप के बैक्टीरियल सेल्स मिले ही नहीं, ठीक है, तो माउस क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। उसके बाद उसने क्या किया, ग्रिफिथ ने जो एस स्ट्रेन मतलब हार्मफुल स्ट्रेन या विरुलेंट स्ट्रेन जो था, बेसिकली उसको क्या कर दिया, हीट किल कर दिया। हीट किल एस स्ट्रेन को उसने माउस के अंदर इंजेक्ट किया। अब ये जो बैक्टीरिया थे वो बेसिकली हीट किल्ड थे, तो इनके पास किसी भी टाइप का विरुलेंट स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट था, तो माउस क्या हो गया, जिंदा रह गया, ठीक है, बिकॉज नो बैक्टीरियल सेल्स वर फाउंड इन द हार्ट। एंड उसके बाद उसने क्या किया, मिक्सिंग ऑफ द हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड लिविंग आर स्ट्रेन।
उसने क्या किया, एस स्ट्रेन को मार दिया और आर स्ट्रेन को लिविंग। तो क्या हुआ, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज ने एस स्ट्रेन वाले का जेनेटिक मटेरियल ले लिया एंड इसकी वजह से आर स्ट्रेन वाले भी जो थे वो क्या बन गए, विरुलेंट बन गए, एंड जिसकी वजह से माउस क्या कर गया, मर गया। एंड दिस वाज अ वेरी 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 ग्रेट एक्सपेरिमेंट। यू हैव टू रिमेम्बर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ इन योर मेडिकल फील्ड। ये ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट है, बोर्ड्स पे भी, बोर्ड्स में भी इसके बेस पे क्वेश्चन आता होता है, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट क्या था। तो आपने सारी बात करनी है इसमें कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, उसने अलग अलग से दो बैक्टीरिया को लिया, एस स्ट्रेन को हीट किल किया, फिर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इन दिस वे यू हैव टू टेल द होल केस, किस केस में माउस था वो सर्वाइव कर गया, किस केस में माउस था वो डाई कर गया। सो दिस इज वॉज द एक्सपेरिमेंट फॉर द सर्च ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। नाउ यू कैन सी एस स्ट्रेन इज इंजेक्टेड इन टू माइस एंड माइस डाइज, आर स्ट्रेन इज इंजेक्टेड इन टू माइस देन माइस lives, S strain bacteria was heat killed and when it was injected into mice the mice live, क्योंकि चाहे वो bacteria जो था that was virulent bacteria लेकिन उसको heat kill ही कर दिया तो mice ने क्या कर जाना है, survive कर जाना है। Next case is S strain मतलब heat killed bacteria plus R strain, heat killed bacteria क्या था, dead, एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या था, लिविंग था। वो जब माइस के अंदर इंजेक्ट हुए तो माइस क्या कर गया, मर गया, माइस डाई। तो इससे क्या पता चलता है, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का जो है कंक्लूजन है क्या, ग्रिफिथ का ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट है। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मिंग, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। देखो, he concluded that some transforming principles transferred from heat killed S strain to the R strain। चाहे S strain का जो बैक्टीरिया था वो हीट किल्ड था, वो मरा हुआ था, लेकिन उसमें से क्या हुआ, कोई फैक्टर्स उठ के आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर चले गए। जब ये सेल्स आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर चले गए तो इन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, आर स्ट्रेन वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने से वो भी क्या हो गए, विरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो गए। इट एनेबल्ड आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट and become virulent. This is due to the transfer of the genetic material. तो ये क्या हो गए, ये transform हो गए, जो R strain वाले bacteria थे वो क्या हो गए, transform हो गए, and वो भी क्या हो गए, virulent में convert हो गए। Transformation होता क्या है, ये transforming का जो principle है वो होता क्या है, that is basically that the organisms obtain the genetic material of other organisms and in this way they become virulent. So that is all about the case. So that is all. Now let us go to the next slide. So kya hua students, नेक्स्ट टाइम में बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इसको बायोकेमिकली पढ़ा गया, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा गया, बेसिकली कि हुआ क्या जब हमने हीट किल बैक्टीरिया को लिविंग आर्स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के साथ डाला तो बेसिकली हुआ क्या। ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियॉर्ड, मैकलिन मैककार्टी वर्क्ड, ये एक्सपेरिमेंट, ये जो साइंटिस्ट के नाम है, डिफिकल्ट जरूर है, अच्छे हैं नाम में से, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये नाम याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इन्होंने क्या किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की शुरुआत किसने की थी, वो की थी ग्रिफिथ ने, लेकिन ये तीन साइंटिस्ट जो थे इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया। ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियॉर्ड एंड मैकलिन मैककार्टी वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट।
उन्होंने क्या किया, दे प्योरिफाइड द बायोकेमिकल्स फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल्स यूजिंग सूटेबल एंजाइम्स। उन्होंने पहले क्या किया, हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियल सेल्स थे उनको, उनमें से बायोकेमिकल सब्सटेंसेस को निकाला। Biological chemical substances are those substances that are present in the living beings and they provide the structural and functional part of living being. Basically, biochemicals are the organic compound essential to the cell तो इन्होंने क्या किया बेसिकली, लिपिड्स आर रिमूव्ड, कार्बोहाइड्रेट्स आर रिमूव्ड एंड हीट किल्ड एस सेल्स। इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स को रिमूव कर दिया हीट किल्ड एस सेल्स के अंदर, प्रोटीनेसेस को डाला तो नहीं, कोई भी प्रोटीन नहीं मिला, आरएनएसेस को डाला तो कोई भी आरएनए नहीं मिला, डीएनएसेस को डाला तो कोई भी डीएनए नहीं मिला। ठीक है, तो प्रोटीएसेस के थ्रू एंड आरएनएसेस के थ्रू इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटीन और आरएनए को खत्म कर दिया। यहाँ पे इनके पास क्या रह गया, डीएनए रह गया। यहाँ पे इनके पास क्या रह गया, वी कैन से कि आरएनए ओके प्रोटीन्स रह गए क्योंकि आरएनए और डीएनए यूज कर लिया, और यहाँ पे इनके पास क्या रह गए, प्रोटीन रह गए क्योंकि आरएनए और डीएनएज़ के साथ इन्होंने आरएनए और डीएनए को खत्म कर दिया और प्रोटीन्स को बचा लिया। इस तरीके से इन्होंने प्योरीफाई किया बायोकेमिकल्स को, मतलब प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए को। तो उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल जो था वो निकाला। दे डिस्कवर्ड दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए Did not affect the transformation. तो इन्होंने पहले देखा कि हमने आर एन ए खत्म कर दिया तो भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रही है, मतलब एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरियाज हीट किल्ड हैं वो आर स्ट्रेन को विरुलेंट बना रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने डीएनए को जब ट्रांसफॉर्म, डीएनए को जब खत्म कर दिया तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं हो रही है, मतलब एस सेल्स मरे हुए आर सेल्स को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल जिससे इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को निकाला। ठीक है, दिस इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो ओवरी मैककार्टन एंड मैक्लियोड ने बेसिकली इसको एक्सपेरिमेंटली बायोकेमिकली इसको प्रूव किया। सो सी यहाँ पे हमारे पास है Digestion of protein and RNA using proteases and RNAs did not affect the transformation. So transforming substance was not a protein or RNA. मतलब जो हमारे सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा था वो नाइदर प्रोटीन था ना ही आरएनए था। डाइजेशन ऑफ डीएनए वाज अ डीएनएज इनहिबिटेड ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने जब डीएनएज के थ्रू डीएनए को खत्म कर दिया तो देखा कि आरएनए जो आर स्ट्रेन है वो नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है। It means that the DNA caused the transformation of R cells to S cells. So DNA was the transforming principle. Main जो था वो DNA ही responsible था जो S cells मरे हुए भी R cells को क्या कर रहे थे, virulent बना रहे थे, transform कर रहे थे। Basically हो क्या रहा था transformation में, जो R cells है हमारे वो एस सेल्स का डीएनए ले रहे थे। जब उन्होंने एस सेल्स का डीएनए ही ले लिया तो उन्होंने भी विरुलेंट प्रोटीन्स को कोड करना शुरू कर दिया और इन्फेक्शन कॉज करनी शुरू कर दी। ये स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके बारे में और क्या बताया गया है। Yes, तो आप देख सकते हो Hershey and Chase grew some bacteriophage virus on a medium containing radioactive phosphorus and some others on medium containing radioactive sulfur. इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज को, बैक्टीरियोफाज इज अ काइंड ऑफ वायरस दैट अटैक्स द बैक्टीरियास। मुझे लिख लेने दो यहाँ पे सो दैट आपको याद रहे ये चीज।
bacteriophage are the kinds of virus that attacks the बैक्टीरिया. इन्होंने किया क्या? ओके आई थिंक दैट इज डन. बैक्टीरियोफेज के बारे में ये हो चुका है. बैक्टीरियोफेज की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, लेट मी करेक्ट इट. या नाउ इट इज राइट. बैक्टीरियोफाज आर काइंड ऑफ वायरस दैट अटैक्स द बैक्टीरिया. तो हर्षे, दिस इज द हर्षे एंड दिस इज चेज. आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी फोटोग्राफ लगी हुई है. इस इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसको बोला जाता था हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट या ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है. स्टूडेंट्स ये जो सारे टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में हर एक लाइन से क्वेश्चन बन के आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ो. ये जो प्रेजेंटेशन है मेरी बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी मेरी, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा. बस आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि डाटा आप रेफर कर लो, थोड़ा सा डाटा एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है फिर भी सम मिस्टेक्स रह जाती हैं. तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी टाइप की आप मिस्टेक करो या फिर कोई भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्रिएट करो. ठीक है, सो लेट अस रीड अबाउट द हर्षे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. सी, हर्षे एंड चेज ग्रू सम बैक्टीरियोफाज वायरसेस ऑन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फरस. ठीक है, उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के थ्रू, एक तो उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फरस, दूसरा उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सल्फर. वायरसेस ग्रोन इन P32 गॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज ओनली डीएनए कंटेन्स फॉस्फरस. वायरसेस ग्रोन इन S35 गॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स बिकॉज प्रोटीन कंटेन सल्फर. अब इन्होंने क्या कर लिया, प्रोटीन जो फॉस्फरस का मीडियम था, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फरस का मीडियम था उस केस में डीएनए हमारा जो हो गया वो रेडियो एक्टिव हो गया, एंड जिसमें सल्फर था उस केस में हमारा जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव हो गया. ठीक है, इन्होंने किया क्या, बेसिकली इन्होंने रेडियो एक्टिव चीजें लेके जो वायरस था उसका डीएनए ही, उसका जो डीएनए एंड प्रोटीन है रेस्पेक्टिवली उसको चेंज कर दिया. ठीक है, तो लेट अस सी कि हुआ क्या बेसिकली. देखो, these preparation were used separately to infect E. coli. अब E. coli एक bacteria होता है basically. After the infection, the E. coli cells were gently agitated in a blender. E. coli cells के जो हाँ E. coli के जो cells थे वो क्या कर दिए गए, blender के अंदर ले लिए गए फिर, to remove the virus particles from the bacteria. Then the culture was centrifuged to separate the lighter virus particle from heavier bacterial cells. पहले उन्होंने क्या किया, blending की, blending के through क्या हो गए, जो virus bacteria थे वो क्या हो गए, remove हो गए. And उसके बाद इन्होंने क्या किया, centrifugation के through lighter, centrifugation आपने पढ़ा होगा, ये procedure होता है basically जिसमें lighter substances are separated from the heavier substances. So medium containing bacteriophage having protein labeled with S35, उसको फिर क्या किया बाद में, blending की, blending के बाद phage DNA and protein coat आया हमारे पास, उसके पास हमने protein liquid से proteins को isolate कर दिया. Same in that case हमने DNA को क्या कर दिया, isolate कर दिया. ठीक है students, अब देखते हैं इसका conclusion क्या निकला. Bacteria infected with viruses having radioactive DNA were radioactive. That is, the DNA has passed from virus to bacteria. Bacteria infected with viruses having radioactive proteins were not radioactive. That is, protein did not enter the bacteria from the viruses. So, इससे ये prove हो गया कि जो basically DNA है वो genetic material है. कैसे, क्योंकि DNA ही कर क्या कर रहा है, heredity कर रहा है, pass कर रहा है, क्योंकि एक तो इन्होंने ले लिया proteins पर experiment, दूसरा इन्होंने ले लिया, yes, दूसरा इन्होंने ले लिया DNA पे. DNA वाले क्या हो गए, DNA जिसमें radioactive labeling कर ली,
ताकि वो पहचान कर सके। एंड फिर जब उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट से पहचान की, इसको निकाला, इसको देखा, इसको ऑब्जर्व किया, तो फिर इन्होंने देखा कि डीएनए कंटेनिंग जो बैक्टीरियोफेजेस थे, बेसिकली उन्होंने बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर दिया, हालांकि वायरस कंटेनिंग बैक्टीरियोफेजेस ने नहीं इन्फेक्ट किया, वो इन्फेक्ट नहीं कर पाए। सो द सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल, पहले इन्होंने इन्फेक्शन की, फिर ब्लेंडिंग की, फिर सेंट्रिफिकेशन की। प्रोटीन्स के केस में कोई भी रेडियो एक्टिव डिटेक्शन सेल्स में नहीं हुई, रेडियो एक्टिव सिर्फ सुपरनेटेन में मिला, सुपरनेटेन मतलब ऊपर जो लाइटर फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी में मिला। और डीएनए के केस में हमें जो रेडियो एक्टिव चीजें थी वो क्या हुई, सेल्स के अंदर डिटेक्ट हुई। इससे ये प्रूव हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, बेसिकली वही जेनेटिक मटेरियल है जो पास कर रहा है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। तो अब हमारे पास प्रूफ तो आ गया, प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये आपको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ करना पड़ेगा कि हर्शेज एंड चेज ने बैक्टीरियोफेजेस को लिया, बैक्टीरियोफेजेस को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के बाद इन्होंने देखा कि, हाँ जी, इन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली वो अपना जेनेटिक मटेरियल पास करते हैं, तो प्रोटीन्स को वो पास नहीं कर रहे। उन्होंने प्रोटीन्स को कैसे चेक किया, रेडियो एक्टिविटी से, और डीएनए को भी उन्होंने कैसे चेक किया, रेडियो एक्टिविटी से। उन्होंने देखा कि डीएनए जो है वो पास कर रहे हैं, तो इससे प्रूव हो गया हमारा कि डीएनए जो है दैट इज द जेनेटिक मटीरियल। A genetic material must have the following properties: ability to generate its replica, मतलब replication वो खुद करे। कोई भी जो genetic material है हमारा, वो खुद ब खुद क्या करे, replication करे, उसके पास ability होनी चाहिए replication करने की। The next thing that is the property, that is the main property of genetic material, that is that एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसके केमिकल्स ऐसे होने चाहिए जो किसी के साथ भी इजीली रिएक्ट ना करें, एंड उनके स्ट्रक्चर जो होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में, पीएच की या टेम्परेचर की कंडीशन में वो अनस्टेबल होके टूट ना जाए। तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट फीचर ऑफ जेनेटिक मटीरियल, गुड जेनेटिक मटीरियल बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर गुड जेनेटिक मटीरियल, अगर हमारा जेनेटिक मटीरियल है वो किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन शो करना शुरू कर दे, तो हमारे सेल्स अनस्टेबल हो जाएंगे। अगर हमारे सेल्स अनस्टेबल होने शुरू हो गए तो हमारे सेल्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, डाई करना शुरू कर जाएंगे। अगर हमारे सेल मरना शुरू हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की ही डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो एक जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए, किसी भी केमिकल के साथ या स्ट्रक्चर के साथ बहुत इजिली रिएक्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। Now the next thing is provide the mutations needed for evolutions. जो genetic material है उसमें mutation होने के बाद जो structural stability है वो रहनी ही चाहिए। Means the organism DNA में या फिर genetic material में alterations आने के बाद डिस्ट्रॉय ना हो, बहुत इजिली डिस्ट्रॉय ना हो। दिस इज ऑल्सो अ मेन फीचर ऑफ अवर जेनेटिक मटीरियल। इवोल्यूशन, अगर म्यूटेशन अगर हो रही है तो इवोल्यूशन को वो सपोर्ट करे। ठीक है, तो एंड द लास्ट कैरेक्टर इज दैट एबिलिटी टू एक्सप्रेस द मेंडेलियन कैरेक्टर। जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स थे, जो उन्होंने बोले थे, लॉज बोले थे, थ्री लॉज थे हमारे बेसिकली। व्हाट वर दैट थ्री लॉज? द फर्स्ट लॉ वाज डोमिनेंस, देन सेग्रीगेशन, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो सारे केसेस हैं, ये जो सारे फीचर्स हैं, एक जेनेटिक मटेरियल में होने ही चाहिए। सो द जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस अ मेंडेलियन
कैरेक्टर्स, क्योंकि मेंडल ही था जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है. मेंडल ने ही जेनेटिक फैक्टर्स पे सबसे पहले रिसर्च करना शुरू किया था. मेंडल ही था जिसने हमें बताया था कि कैसे करके क्या चीज होनी चाहिए. सो इन दिस वे हमारे जेनेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई हैं. सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत होनी कहां से शुरू हुई? सबसे पहले आया हमारे पास ग्रिफिथ का नाम. लेट मी डिनोट यू हियर. सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ग्रिफिथ का नाम, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसका जो एक्सपेरिमेंट था माइस एंड निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर था एक्सपेरिमेंट. दैट वाज बोथ ऑफ द एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन. ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. उसके बाद हमारे पास जो आया दैट वाज द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. स्टूडेंट्स ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं टू द डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. हर्शे एंड चेज ने क्या किया था? सल्फर लेबलिंग इन द प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट लेबलिंग इन द डीएनए. मतलब कि जो हमारा था रेडियो एक्टिव सल्फर उन्होंने लेबल किया. रेडियो एक्टिव, लेट मी राइट यू हियर. रेडियो एक्टिव सल्फर उन्होंने लेबल किया एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फेट जो था वो लेबल किया. उसके बाद हमारे पास आ गए द प्रॉपर्टीज और द फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल. फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल, तो फर्स्ट थिंग थी वो थी कि उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल एज वेल एज केमिकल स्टेबिलिटी. उसके बाद वो म्यूटेशंस को सपोर्ट करना चाहिए एंड उसके बाद उसके पास मेंडेलियन कैरेक्टर्स होने चाहिए. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट वाज कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग. इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग. सो दैट वाज ऑल अबाउट एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन. बेसिकली यहाँ पे आर स्ट्रेन भी आना था. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा. इसका भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता होता है, यू हैव टू लर्न इट एंड राइट इट वेरी वेल. उसके बाद हर्शेज एंड चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स के बारे में. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू गॉट इट. आई होप आपको समझ आया. दैट इज इजी अंडरस्टैंडेबल बाय यू पीपल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.